खंभे के पास पहुंचने वाले ही है। तो गुजरात में आपको कई जगहों पे ऐसे खंभे यानी कि पाड़िए नजर आ जाएंगे। और दोस्तों इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, मगर इसकी जो भाषा है वो बहुत पुरानी है, इसीलिए हमें कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है। जो इसको पढ़ने वाले होते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं। तो ऐसे खंभे गुजरात में कई जगहों पे गांव में खेत में देखने को मिल जाते हैं, और ख़ास करके यही खंभे को मुझे देखना था। दोस्तों तालाब के उस वाले किनारे पे एक पत्थर का खंभा है, और इसको गुजराती में पाड़िया कहा जाता है। और गुजरात में पाड़िए की कहानी हमेशा लोकप्रिय रही है। जब मैं अगली दफ़े इस तालाब का विजिट करने आया तो ये पानी से बिल्कुल लेवलो लेवल भरा हुआ था, इसी वजह से मैं उस पाड़िए तक पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि पानी में या तो आपको जाने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ेगा और यहाँ पे नौका उपलब्ध नहीं है। तो आज तालाब का लेवल आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी गर्मी के चलते हुए पानी का लेवल गहरा अंदर जा चुका है। तो आज हम यहाँ से चल के उस पाड़िए तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पाड़िए का दर्शन भी कराता हूँ और मैं खुद भी देखता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ है यहाँ पे, और अभी दोस्तों गर्मी का टेम्परेचर यहाँ पे तकरीबन 40 डिग्री के ऊपर ही है कुछ, फिर भी यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो पानी की वजह से यहाँ पे जो गर्मी का टेम्परेचर है वो कुछ हद तक कम है, क्योंकि पानी की वजह से थोड़ी बहुत हवा यहाँ पे ठंडी आती रहती है। तो मैं पानी का भी लेवल आपको दिखाऊंगा कि कहां तक इसमें पानी भरा हुआ था। और इतने टेम्परेचर में मोबाइल भी कभी कभी ओवरहीट हो जाता है। और पक्षी की मधुर आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। और बीच में एक बावड़ी है स्टेप वेल, तो इसमें ठंडा पानी हमेशा रहता है, मगर यहाँ पे जाने के लिए आपके पास कुछ नौका बौका चाहिए तो वो मेरे पास है नहीं। और पानी का लेवल आप देख सकते हैं, इस पेड़ के ऊपर पानी का निशान बना हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। तालाब के बीचों बीच एक बावड़ी भी है, जिनके जरिए यहाँ के चरवाहे अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियाँ इनको पानी पिलाते हैं। और तालाब में से खेत में भी पानी यहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ पाइपलाइन बिछाई गई है। और जिस पक्षी की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है इसको गुजराती में टिटोड़ी कहा जाता है।
और अब हम बिल्कुल खंभे के पास पहुंचने वाले ही है। तो गुजरात में आपको कई जगहों पे ऐसे खंभे यानी कि पाड़िए नजर आ जाएंगे। और दोस्तों इसमें कुछ लिखा हुआ भी है मगर इसकी जो भाषा है वो बहुत पुरानी है, इसीलिए हमें कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है। जो इसको पढ़ने वाले होते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं। तो ऐसे खंभे गुजरात में कई जगहों पे गांव में खेत में देखने को मिल जाते हैं और ख़ास करके यही खंभे को मुझे देखना था, इसीलिए मैं आया था। तो चलिए आगे भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ क्या है इसमें। बावड़ी तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तालाब का पानी बावड़ी की चारों ओर फैला हुआ है। और ये जो गूंज की साउंड आपको सुनाई दे रही है इसको गुजरात में टमरे की गूंज कहा जाता है और ये एक ही साथ मिलके ऐसे साउंड उत्पन्न करते हैं और गूंजते रहते हैं। और यहाँ से बावड़ी बिल्कुल नज़दीक दिखती है। सामने ही है बिल्कुल। और ये जो पत्थर पर काई लगी आपको दिख रही है ये सब पानी में से होती है, इसको सेवाड़ बोलते हैं। और तालाब बहुत बड़ा है, आपको नज़र आ ही रहा होगा, इसमें बहुत सारा पानी भरा रहता है। फिलहाल गर्मी के चलते हुए इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो चुका है और यहाँ पे मैं बैठता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। और जहाँ से हम आए थे ये सीढ़िया है, ये और दोस्तों मैंने जो आपको टनल के ऊपर से दिखाया था कि जंगली वनस्पति है ये, तो इसको गुजरात में पान कहा जाता है। और अगर मकान जो छप्पर वाला होता है इसके ऊपर इसको डाल दिया जाए तो गर्मियों में ये बहुत ही ठंडक देते हैं। तो एक इसका ये भी फायदा है, अगर छप्पर वाला मकान है तो इसको आप काट के छप्पर पर डाल सकते हैं, तो थोड़ी बहुत गर्मी से राहत आपको
मिल जाएगी।